किसान आंदोलन के दरमियान तिकुनिया गांव की चर्चा सड़क से लेकर संसद तक थी और किसान आंदोलन की सबसे ज्यादा आंच उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के इसी गांव में देखने को मिली थी और ये वही जगह है जहां पर थार जीप से घटना हुई थी जहां किसान कुचले गए थे। कुल मिलाकर 8 लोगों की जाने गई थी और यहीं पर वो घटना हुई थी। अभी भी उसके सबूत यहाँ मौजूद है, जो पुलिस ने घेर रखे थे उसके सबूत अभी भी मौजूद है। तो इस इलाके में चलेंगे क्योंकि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का घर यहाँ से 3 किलोमीटर आगे है, उनका इलाका है और जानने की लोगों की कोशिश करेंगे कि उस आंदोलन उस घटना की जो ताप है इस विधानसभा चुनाव पर कितनी है, क्या अभी भी लोग उसे मुद्दा मानते हैं, क्या आम लोगों में चुनावी मुद्दे के तौर पर किसान आंदोलन और इस घटना की चर्चा है। यहाँ फिलहाल कुछ लोग मौजूद हैं, पहले इन्हीं लोगों से बात करते हैं कि इनकी क्या राय है। आपका क्या शुभ नाम है? ओंकार सिंह। आप यहीं रहने वाले? जी जी। अच्छा, ओंकार सिंह ये बताया जो जहाँ अभी हम लोग मौजूद हैं यहीं पर घटना हुई थी, क्या उस वक्त आप यहाँ पर थे? मैं उस वक्त नहीं था। अच्छा, लेकिन जो लोग थे यहाँ पे, हाँ, उन लोगों ने बताया कि थार इधर से दौड़ती हुई आई। अच्छा, और किसान जो आंदोलन ख़त्म करके जा रहे थे और थार ने कुचलते हुए लोगों को आगे बढ़ गई। तो यही वो जगह है जहाँ पर यहाँ आके पलट गई थार। तो मेरा सवाल अगला यह है कि जब ये घटना हुई थी तब तो सड़क से लेकर संसद तक उसकी चर्चा हुई, बहुत हंगामा हुआ, अब विधानसभा चुनाव बिल्कुल चल रहा है, क्या वो इशू है इस समय मुद्दे के तौर पर आपके इलाके में है? बिल्कुल, वो तो हमेशा रहेगा, किसानों को बहुत बड़ा मुद्दा है जी। हालांकि बीजेपी दावा करती है कि अब कोई वो मुद्दा नहीं है, उससे लोग बहुत आगे निकल चुके हैं, क्योंकि जब भी किसानों का मामला आता है तो कहते हैं कि हमारे भी कार्यकर्ता की हत्या हुई। एक बार हम थप्पड़ मार के आपको रुला दें, उसके बाद टाफी दें, तो टाफी से कितनी देर तक हम शांत रहेंगे? जब तक टाफी हमारे मुंह में रहेगी तब तक शांत रहेंगे, उसके बाद में फिर हम बोलना चालू कर देंगे। इसका भारतीय जनता पार्टी ने जो लेबन चूस देने का काम किया है उससे किसान अच्छी तरह जान चुका है, किसान भारतीय जनता पार्टी के झांसे में नहीं आने वाला। देखिए आप जो भी रैलियाँ हो रही हैं, पिछले वाली रैलियाँ देखिए, आज की रैलियाँ देखिए, कितना अंतर है। मतलब ये कि लोगों के जहन में अभी भी वो घटना जिंदा है, किसान आंदोलन का मुद्दा है आपके इलाके? जी बिल्कुल, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर किसान का मुद्दा है, पूरे उत्तर प्रदेश, पूर्व से लेकर के पश्चिम तक। एक और जनाब हमारे साथ है, उनसे बात। आपका क्या शुभ नाम है? गुरनिवास सिंह। गुरनिवास सिंह जी, ये किसान आंदोलन आपके इस इलाके में, क्योंकि तिकुनिया में अभी हम लोग मौजूद हैं, तिकुनिया की चर्चा बहुत हुई थी, कितना बड़ा मुद्दा है? बहुत बड़ा मुद्दा। ये मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के एक यहाँ से लमसम समाजवादी पार्टी की 350 सीट जीत करके ये भारतीय जनता पार्टी को एक तमाचा होगा, एक मुद्दा ऐसा बनता है। आप अपने विधानसभा का बताइए, तिकुनिया का हाल बताइए। तिकुनिया का बहुत अच्छा हाल, हम लोग यहाँ से निघासन से कम से कम भी तो 50,000 वोट से जीतेंगे चुनाव। भाई ये तो आपको केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी का गांव यहीं पर है, ये बीजेपी का गढ़ माना जाता है। हम कोशिश करेंगे वो गांव में जीत के हम लोग आएंगे, इतना आत्मविश्वास है जी। चलिए आगे चलते हैं और लोगों की भी राय जानने की कोशिश करते हैं, तिकुनिया से लेकर और अजय मिश्रा टेनी का जो गांव है वहां भी चलेंगे और लोगों की राय जानेंगे। कुछ और एक आध नौजवान भी खड़े हैं, इन लोगों से ही बात करते हैं। आपका क्या नाम? चंद्र प्रताप लोधी, कृष्णा निकने मेरे। अच्छा, ये बताइए ये आपके यहाँ इस बार के चुनाव में क्या मुद्दा है सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा जो जरूरी पूरे प्रदेश और देश के अंदर जो बेरोजगारी चल रही है, हम छात्रों और युवाओं को लेकर, जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की चाहे मोदी सरकार हो या योगी सरकार हो, युवाओं को रोजगार नहीं दिया। बदौलत उन्होंने जब युवाओं ने रोजगार, पहले हमें चुनाव में 70 लाख रोजगार देने की बात की, उसके बाद हमें छला गया। जब हम लोगों ने रोजगार के लिए विषय पर बात की, आंदोलन किया सड़क से लेकर विधानसभा तक, तो हम पर लाठी डंडे चलाए गए और हमें जो है बहुत विभिन्न नामों से देश विरोधी और अराजक तत्व इस तरह से। आपके लिए जो है वो रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है। दूसरी बात, मैं निघासन विधानसभा क्षेत्र की बात करूँ, ये हमारा तराई क्षेत्र है जहाँ पे मुख्य काम लोगों का खेती है, ना कोई बड़ा उद्योग है, ना व्यापार, ना कोई फैक्ट्री है। तो हम लोग सब लोग किसान हैं, किसान परिवार से जुड़े हैं, कोई 2 बीघे का है चाहे 2 एकड़ का हो। और जो किसान आंदोलन ये जो शुरू हुआ, तो और ये जो तिकुनिया की घटना है, ये 3 अक्टूबर के बाद बहुत ही चर्चित रहा, पूरे देश के अंदर और पूरे प्रदेश के अंदर जाना गया। ये किसान आंदोलन शुरू ही भारतीय जनता पार्टी ने किया, किसानों ने नहीं किया। जब भारतीय जनता पार्टी ने 3 काले कानून किसान विरोधी कानून संसद के अंदर पास किए, वो तो ठीक है, बड़ी चर्चा हो चुकी है देश में, वो कानून रद्द भी हो चुका है। मेरा सिर्फ ये मानना है कि मैं ये जान बताना चाहूँगा,
कि यहाँ से ये घटना शुरू हुई। इस घटना स्थल पे जिस तरह से तीन किसानों को गाड़ी से कुचल के मार दिया गया और किसानों ने भारतीय जनता पार्टी के कुछ पदाधिकारियों के उसी आक्रोश में आके हत्या कर दी या उस नोकझोंक में जो मारपीट हुआ, हालांकि कुल मिला के 8 लोगों की जान गई। मैं हिंसा के पक्ष में नहीं हूँ, जो है निंदनीय है, लेकिन ये शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही की गई और जिसका ये निष्कर्ष आएगा कि ये भारतीय जनता पार्टी को वोट पर चोट देगा और भारतीय जनता पार्टी को हरा देगी यहाँ की क्षेत्र की जनता। भारी पड़ेगा, एक और जवान, आप तो सपा वाला पटका डालें लगता है, कार्यकर्ता है सपा। क्या नाम आपका? प्रीतम चौहान है मेरा नाम। अच्छा प्रीतम चौहान जी, आप सपा के कार्यकर्ता जी? सपा के कार्यकर्ता है। ये किसान आंदोलन कितना मदद कर रहा है आप लोगों को चुनाव में? जाहिर तौर पर हम लोग किसान हैं, किसान के पक्ष में ही बोलेंगे। अच्छा, तो यानी उस आंदोलन का फायदा आप लोगों को चुनाव में मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है, किसान पूरी तरह हम लोग के साथ में। सपा के कार्यकर्ता है, इनको पूरा आत्मविश्वास है कि उसका फायदा इन लोगों को मिल रहा है। स्त्री दादा को बुला ले। अरे नहीं, हम पूछ रहे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, नाम आपका चुनाव में लेकर पहुंचे जाएगी। मुझे बताएं कि चुनाव चल रहा है जी, इस समय आप लंबा अनुभव है, बहुत बार वोट आप डाले होंगे जी, इस बार आपके जहन में क्या है, क्या मुद्दा आप मानते हैं सबसे बड़ा चुनाव के लिए? क्या बताएं, बदलाव चाहते हैं और क्या। अच्छा जी, इसकी वजह क्या है? वजह क्या, काम धंधा सब खत्म है। अच्छा, इधर देख के बात करिए। हाँ, काम धंधा है ही नहीं, सब खत्म हो गया। योगी जी तो दावा करते हैं कि उन्होंने बहुत विकास किया है, अच्छा कानून व्यवस्था बनाया है, लॉ एंड ऑर्डर बड़ा दुरुस्त है, लोग खुश हैं, तमाम लोगों को राशन दिए हैं, बहुत सारे लाभ पहुंचाए हैं, तो उनका लाभ कुछ नहीं मिलेगा? क्या लाभ है, सब ऐसे ही धंधा है और क्या। अच्छा, लाभ क्या, जो जैसा है वैसा चल रहा है हिसाब किताब। अच्छा, इधर किसान आंदोलन का जोर है? अब ये तो हम नहीं बता पाएंगे जी। ये तो ठीक, आपके घर के सामने घटना घटी? अरे घटी थी, तो हम अक्सर रहते हैं मस्जिद में। अच्छा जी, वहीं पर रहते, हमारी ड्यूटी वहीं है।